ये देखिए आज मैं अपनी वीडियो ना किचन से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं रूम सेव और वगैरह सब जगह से करती हूँ बट किचन से कभी स्टार्ट नहीं करती। वैसे किचन में आके सारे काम कर लेती हूँ लेकिन वीडियो कभी स्टार्ट नहीं करती। बट आज मैंने कहा चलिए, बस अब मैं नहाने जाने वाली हूँ, अभी नहा ही नहीं हूँ, टाइम हो रहा होगा, 12 बज चुकी है टाइम में। और मैं सोच रही हूँ आपको ना किचन टूर देने का सोच रही हूँ, देखते हैं टाइम मिलता है तो आज दे पाती हूँ, ठीक है। और विशाल से मैं ना एक बॉक्स लेके आई थी, उसमें भी सामान भी रखूँगी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला बॉक्स लेके आई हूँ मैं विशाल से। अभी ना एक लाई हूँ मैं, इनका एक बार ना इसको मैं देख लेती हूँ कि मतलब, एक सेकंड ना टीवी चल रही है तो उसको म्यूट कर देती हूँ, सॉरी। अभी ना मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बॉक्स है ना अभी एक लेके आई हूँ, अगर अच्छा लगेगा सामान वामान रख के देख लेती हूँ कितना सामान आ जाता है। अगर अच्छा रहेगा ना, वैसे बॉक्स मेरे पे काफ़ी सारे हैं लेकिन अच्छा रहेगा ना तो इस तरह के 4-5 ले आऊँगी। बस एक आ चुका है ना तो 5 और ले आऊँगी तो 6 का सेट हो जाएगा, या फिर 3 और लाऊँगी तो 4 का सेट हो जाएगा। इस तरह से करूँगी मैं, है ना, इस तरह से कर लूँगी। और इसमें ना जैसे पता है क्या रख सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा सामान जैसे आ जाता है घर में वो रख सकते हो आप, 6 लाऊँगी तो एक्स्ट्रा सामान भी आ जाएगा इसी में। और दूसरी चीज़ इसमें आप एक को चीनी का बना लो, एक को चावल का बना लो और आटे का भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें ना 16 लीटर कैपेसिटी है, बताती हूँ। ये देखिए दिख रहा है, ये 16 लीटर कैपेसिटी है, तो इसमें आपका 10 kg आटा ईजीली आ सकता है ना। तो मेरे लिए मुझे ये अच्छा लगा तो इस तरह के मैं और ले आऊँगी। और ये ना 200 रुपीज़ का है, 199 का, तो रेट वाइज भी ठीक है, 200 में क्या आता है, वरना अच्छा तो नहीं आ पाता है देखिए ज़्यादा, लेकिन ये अच्छा अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह की, देखिए काफ़ी डीप है और मुझे तो अच्छा लगा, है ना। तो बस अब मैं ना यहाँ के आ जाऊँ, फिर मैं किसी काम से लगूँगी। वैसे तो काम हो चुके हैं लेकिन खाना वाना नहीं बनाया अभी ना, खाना वगैरह नहीं बनाया। और ये देखिए मैं तो बाहर ही सोच रही थी, 12:30 बज चुके, 12:30 का टाइम हो रहा है, अभी देखते हैं ना। चलिए फिर मैं नहा के आती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ और फिर देखती हूँ कि और मेरे को क्या काम करना है, खाने का भी सोचा नहीं है। और हाँ, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, है ना। और जी कल थी लोहड़ी तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं विश करना ही भूल गई, चलिए कोई बात नहीं है, है ना। चलिए फिर मैं नहा के आ जाती हूँ, लेट नहीं करती हूँ क्योंकि 12:30 बज चुके हैं, नहा के आऊँगी फिर देखना है खाना भी क्या बनाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा खाना। वैसे तो आज के दिन देखिए खिचड़ी बनाई जाती है ना, दाल चावल मिक्स करके जो बनती है वो, देखती हूँ अगर वो बनाऊँगी तो थोड़े से दाल और चावल भिगो के वो बना लूँगी, भिगोना भी नहीं, वो तो बस वॉश करूँगी और चढ़ा दूँगी तो बन जाएगी, ठीक है। देखती हूँ वो तो मैं आकर के नहा के आती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ, बाय बाय। ये देखिए नहा के आ चुकी हूँ मैं, 1 बजने वाला है, 15-20 मिनट लगते हैं, देखिए 10 मिनट तो नहाने में लगते हैं, फिर कपड़े वपड़े पहनो, रेडी वेडी हो तो बस बिंदी और लगानी है मुझे, अभी बिंदी नहीं लगाई है। पता है मेरा ना, मैं ट्राईपॉड ना माँ मम्मी के यहाँ पर घर पर भूल आई हूँ, भूल के आ गई हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए और देखिए अभी काजल नहीं लगाया, कल का ही काजल थोड़ा सा लगा हुआ है, नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा डार्क लगा लो ना तो फिर नीचे नीचे आ जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। बस अब मैं नहा चुकी हूँ, अब देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी। आज मैंने सूट पहन लिया है, वैसे मैं सूट नहीं पहनती हूँ डेली, मैं सूट नहीं पहनती हूँ डेली, मैं अपना लोअर टी शर्ट कुछ भी ऐसा वो पहन लेती हूँ,
कंफर्टेबल रहता है ना उसमें, और इसमें वैसे तो इसमें भी कंफर्टेबल है, बट वही है कि बस आदत नहीं है पहनने की। मैं आपको ना अपना एक काजल दिखाती हूँ, वो वाला लगाती हूँ, ठीक है? खांसी दवा लेके आई हूँ मैं दूसरी, वो जाके मेरे को असर करी है। कल मैंने मतलब लगाई थी, कल मैंने वो पी थी, तो मुझे 2 से 3 खुराक में ही उसका मतलब रिलैक्स मिल गया थोड़ा सा। ठीक है, काजल लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने लगा लिया, ये ना ये वाला काजल है, ये डायनेमिक का है, स्केच काजल है। सिर्फ देखिए मैंने ना मेरे मिडिल में तो लगा हुआ था कल का, बट ना साइडों से वो क्लीन हो गया था, तो अब बस ये वाला मैंने लगा लिया है। ये नहीं फैलता, ये तो आप काजल के बाद इसको लगा लो तो काजल भी थोड़ा नहीं फैलता है। ये देखो मेरा ट्राईपॉड घर रह गया है, अब जाऊंगी मैं, आज जाऊं या कल जाऊं देखती हूँ। ये वाला काजल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, किसी भी साइट में मिल सकता है। ठीक है, अच्छा काजल है, और भी यूज़ कर चुकी हूँ मगर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी मेरे पे है काजल की, तो मेरे पे भरमार मिलेगी आपको, फेवरेट है ना मेरा इसलिए, क्योंकि काजल तो मैं घर में भी लगाती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तब भी लगाती हूँ। लाइनर जो है वो मतलब सालों हो गए मुझे लगाई हुई, लाइनर नहीं लगाया, लेकिन ये तो मैं काजल जो है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ, बाकी कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ काजल तो। अच्छा, बीच में मैंने लगाना छोड़ दिया था, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखेंगे ना, तब मैंने काजल घर में लगाना छोड़ दिया था, तो मैं ऐसे लगता था कि कितनी बीमार हूँ और कितनी ज़्यादा मतलब बेचारी टाइप हूँ, मतलब ऐसा। तो काजल जो लोग लगाते हैं ना उनको मतलब उनका फेस उसका उसके लिए ना मतलब वो हो जाता है कि अगर वो नहीं लगाते ना तो फिर बड़ा अजीब लगता है। देखिए मैंने नेल पेंट भी रिमूव कर लिया है, बट ये वाला नेल्स मेरा ना टूट गया था, बाकी सारे बड़े हुए हैं, अब एक टूटा है इसलिए मैंने बाकी के नहीं काटे हैं। अगर मेरे 2 नेल्स टूट जाते ना एक साथ तो फिर मैं सारे कट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छे नहीं लगते कि एक दो टूटे हुए हैं, एक दो बड़े हुए हैं, तो वो नहीं अच्छे लगते। अभी ये तो चल जाता है, अभी नेल पेंट नहीं लगाऊंगी कुछ दिन, फिर लगाऊंगी, और अभी कहीं जाना आना भी नहीं है, इसलिए ये मैं ना इसी बैग में रख देती हूँ। क्योंकि वैसे तो मम्मी के यहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है, मगर फिर भी ना ये वाला काजल जो है वो मेरे को अच्छा लगता है। कभी लाइनर भी लगाना हो तो इससे लगा सकते हो इजीली। जिन लोगों का फैलता हो ना लाइनर, मतलब फैल जाता हो, ऊपर लग जाता हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग डेली लगाते हैं उनको तो आदत होती है वैसे लाइनर की। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, सिंपल और इजी सा ब्रेकफास्ट है ये हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। उसके बाद देखिए मैं ना घर से चली गई थी, मम्मी वगैरह का फ़ोन आ गया था कि क्या त्यौहार पे नहीं आएगी क्या मम्मी पापा का, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। और ये ना इवनिंग का टाइम है, मैंने वहाँ से जाने के बाद मतलब घर पे कुछ नहीं बनाया था, फिर मैंने वहाँ घर पे खाना खाया था, और फिर शाम को ना हम लोगों ने बनाया था, शाम को काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ मेन जो बनती है संक्रांत वाले दिन ना, दिन में तो खिचड़ी विचड़ी कुछ भी बना लो, कोई भी खाना बना सकते हो, शाम को बनाते हैं हम लोग पूए पकौड़े वगैरह, ये सब चीज़ें बनती हैं। और ना बाजरे का ये सीज़न होता है ना, तो उसमें ना बाजरे की टिकिया बनती है, वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मीठी होती है ये, जैसे बिस्किट नहीं बनते वैसी बनती है, तो बस यहाँ पे मैं वही सेक रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। और पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि हमने कैसे बनाया था। इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही मैंने मतलब शेयर किया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी लेकिन सब कुछ शेयर नहीं किया था, क्योंकि फिर नहीं तो रेसिपी का ही ब्लॉग हो जाता है ना, इसलिए। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाती हैं,
और अच्छी लगती है। इसको आप चटनी वगैरह से खाओ या ऐसे खाओ ना तो भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें ऑयल नहीं डलता है, इसमें बस ऐसी बनती है। देखिए कलर देखिए, कुछ इस तरह का बिस्किट जैसे ही सीखते हैं ये। बाय बाय।